जब तक आप चाहेंगे तब तक ये अवेज क्लिनिक चलेंगे। आपने जिस दिन ठान लिया कि इनके यहाँ नहीं जाना है, उस दिन ये झोला छाप ऑटोमेटिक यहाँ से चले जाएंगे और इनके अवेद क्लिनिक स्वतः ही बंद हो जाएंगे। नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। इस वीडियो में हम बताएंगे उदयपुर जिले के गोगुंदा कोटड़ा क्षेत्र के लोगों की दशा के बारे में। यह आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ के लोगों की परवाह किसी को नहीं है। यहाँ पैंथर के हमले से 9 जनों की मौत हो जाती है, वायरल से बच्चे मर जाते हैं, मौसमी बीमारी से 16 हो जाती है, सिलिकोसिस बीमारी से पत्थर गढ़ाई मजदूर ऑक्सीजन सिलेंडर पर जिंदा है लेकिन बोर्ड से उन्हें प्रमाण पत्र तक नहीं मिलते हैं। ना यहाँ का प्रशासन सुनवाई करता है और ना ही सरकार ध्यान देती है। सबकी नींद तब तक नहीं खुलती है जब तक यहाँ पर 5-10 मौतें न हो जाए। गोगुंदा विधानसभा क्षेत्र के हालात क्या है, यह जानने के लिए आप इस वीडियो के अलावा ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करके दूसरे वीडियो भी देख सकते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि वास्तव में इस क्षेत्र की दशा क्या है और उस दशा को ठीक करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है। तो पैंथर के हमलों से हुई मौतों की पूरी कहानी आपने देखी ली। अब देखिए देवला ब्लॉक की घाटा ग्राम पंचायत के गांव की दशा। इस ग्राम पंचायत के गांव में मौसमी बीमारियों का प्रकोप है। यहाँ गत 27 दिनों में 16 बच्चों की मौतें हो चुकी है, घर घर में बीमारी पसरी हुई है। सरपंच निकाराम गराशिया का कहना है कि चिकित्सा विभाग की लापरवाही से ये मौतें हुई है। उन्होंने गांव में शिविर लगाने की मांग की, उसके बाद कहीं जाकर चिकित्सा विभाग जागा और गांव-गांव में शिविर लगाए। ग्राम पंचायत घाटा में अलग अलग गांवों और मोजरों में मौसमी बीमारी का भयंकर कहर फैला हुआ है। लगभग 15 बच्चों की मौत हो चुकी है। पूरे ग्राम पंचायत घाटा में गाठा सांबरमाल और पूरे क्षेत्र में मौसमी बीमारी का भयंकर कहर फैला हुआ है और मौसमी बीमारी के कारण बच्चों की अधिकतर मौतें हो रही हैं। लगभग पूरे ग्राम पंचायत में गाठा में 15 बच्चों की मौत हो चुकी है। यदि चिकित्सा विभाग अलर्ट और से नहीं सेता और जगह जगह शिविर नहीं लगाई तो ग्राम पंचायत घाटा में और भी मौतों की संख्या बढ़ सकती है। इसी तरह देवला क्षेत्र के पूरी पंचायत समिति हर पंचायत क्षेत्र में हर ग्राम पंचायतों में यदि प्रशासन या सरकार ने शिविर नहीं लगाई तो मौसमी बीमारी भयंकर हो रही है और मौसमी बीमारी के कारण लगभग खूब मौतें हो सकती है और ये प्रशासन और चिकित्सा विभाग अलर्ट और नहीं सेता तो मौसमी बीमारी और भी ज्यादा फैल सकती है। अभी शिविर जारी है और लोगों के स्वास्थ्य का परीक्षण कर उन्हें जो है दवाइयां और उपचार जो है प्रदान किया जा रहा है। सरपंच निकाराम ने बताया कि पंचायत क्षेत्र के पाटिया गांव में प्रकाश, शिल्पा, संजना, कन्या, राजकुमारी व अनिता की मौत हो गई। बाड़ादेव गांव में चूनाराम, अश्विन व सुरेश की मौत हो गई। घाटा गांव में हुंसाराम, चंद्री, पन्ना व मायल की मौत हो गई। वहीं सती का खेत में रणवीर, साबरमाल व होमाराम की मौत हो गई व बोराफला में मगली गराशे की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि सभी को 2-3 दिन बुखार रहा और उसके बाद में उनकी मौत हो गई। बच्चों को देवला अस्पताल में दिखाया था, वहां का उपचार भी लिया लेकिन बच्चे ठीक नहीं हुए। बच्चे ठीक कैसे होंगे जब स्टाफ ध्यान ही नहीं देता। यहाँ के जनप्रति अक्सर अस्पतालों की अव्यवस्थाओं व अनियमितताओं को उजागर करते रहते हैं। हालांकि कोटड़ा के BCMHO डॉक्टर शंकर लाल चौहान ने बताया कि जिन बच्चों की मौत हुई है उनमें से किसी को भी केंद्र पर नहीं लाया गया, सभी का उपचार झोला छापों के यहाँ करवाया गया। मतलब BCMHO भी मान रहे हैं कि इस क्षेत्र में झोला छाप जो है बहुसंख्या में मौजूद है। आपको बता दें कि देवला वे कोटड़ा क्षेत्र में झोला छापों का अंबार है। मालवा का चोरा, बेकरिया, देवला, मेरपुर, कोटड़ा सहित कई गांवों में झोला छापों के अवैध क्लिनिक संचालित है। यह झोला छाप चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को बंदी तक पहुंचाते हैं, इसलिए इन पर कभी कोई कार्रवाई नहीं की जाती। स्थानीय CSC व PSC के चिकित्सकों द्वारा भी झोला छाप डॉक्टरों से मंथली ले जाने की सूचनाएं आती रहती है। इस आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में BCMHO के ऑफिस के आधा किलोमीटर के दायरे में दसियों अवैध क्लिनिक
क्लिनिक संचालित है। अब गोगुंदा को ही देख लीजिए, गोगुंदा उपखंड मुख्यालय है, यहाँ पर BCMHO बैठते हैं और बस स्टैंड के इर्द गिर्द में कम से कम 10 झोला छापों के क्लिनिक यहाँ पर संचालित है। यहाँ के लोग भी झोला छाप डॉक्टरों पर अधिक भरोसा करते हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि झोला छापों का उपचार उनको लगता है, इस वजह से वो वहाँ पर जाते हैं। यहाँ के लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि भाई साहबों, ये झोला छाप डॉक्टर जो है ना, ये TNG और BC और Dream 11 गेम की तरह है, इनसे सावचेत रहिए। ये उस तरीके से उपचार नहीं कर सकते हैं जिस तरीके से एक CSC PSC के डॉक्टर करते हैं। चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को भी मंथली कलेक्शन की बजाय चिकित्सा व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। भाई लोग अस्पताल में क्यों जाएंगे जब अस्पताल की दशा ही ऐसी है। ये देखिए, ये है मालवा का चोरा का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। OPD टाइम पर भी इसका आधा गेट ही खुला रहता है। भर्ती वार्ड में 6 बेड है, लेकिन 15 अक्टूबर तक इसमें केवल एक प्रसूता भर्ती रही, वो भी इसलिए क्योंकि उसकी डिलीवरी वहां पर हुई थी। केंद्र के टॉयलेट की दशा देखिए, इनके आगे कचरा पात्र में सामान रखे हुए हैं। ये स्थिति बता रही है कि कई दिनों से टॉयलेट का उपयोग नहीं हुआ है। होगा भी कैसे जब केंद्र में लोगों की आवाजाही ही नहीं है। केंद्र के अंदर ये चिकित्सक का कमरा है, चिकित्सक की कुर्सी कई दिनों से खाली है, मतलब केंद्र पर डॉक्टर का एक पद है और वो भी रिक्त है। जब केंद्र में मुखिया ही नहीं है तो फिर स्टाफ की दशा क्या होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। इस केंद्र की सारी जिम्मेदारियां फिलहाल LT भारती कुमावत व नर्सिंग कर्मी लाल शंकर महिडा संभाल रहे हैं। ये भी निःशुल्क दवाओं का वितरण करने और डिलीवरी करवाने जैसे काम ही कर पा रहे हैं। नर्सिंग कर्मी अभिषेक जैन पर गंभीर आरोप है। मालवा का चोरा के लालाराम गराशिया ने बताया है कि केंद्र पर जाने वाले मरीजों को अभिषेक जैन क्लिनिक पर जाने के लिए कहता है और वहां जाकर पैसे लेकर वो उपचार करता। हालांकि अभिषेक जैन का कहना है कि वो सुबह 9 बजे से शाम 3 बजे तक केंद्र पर ड्यूटी देता है, उसके बाद अपने रूम पर आने वाले मरीजों का छोटा मोटा उपचार करता है। खैर, अभी तो यह केंद्र यहाँ के लोगों के लिए अनुपयोगी ही साबित हो रहा है। चिकित्सा विभाग यहाँ एक चिकित्सक की नियुक्ति भी नहीं कर पा रहा है, ऐसे में यहाँ पर कोई उपचार करवाने के लिए क्यों ही आएगा। 21 अक्टूबर को जिला परिषद सदस्य कामिनी गुर्जर ने घाटा ग्राम पंचायत क्षेत्र का दौरा किया। प्रेस रिलीज जारी करते हुए बताया कि झोला छाप डॉक्टरों का बोलबाला है, उन्होंने क्षेत्र में आतंक मचा रखा है। PSC पर नियुक्त डॉक्टर्स जो है उनको भी परेशान कर रखा है। गाँव में मलेरिया, डेंगू, बुखार, सर्दी और खांसी का प्रकोप है। उन्होंने कहा कि झोला छापों पर कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। फिलहाल सभी झोला छाप अपने अवैध क्लिनिकों को बंद करके क्षेत्र से गायब हो चुके हैं, या यूं कह सकते हैं कि वो अंडरग्राउंड हो चुके हैं। वो नजरे बनाए हुए हैं कि जैसे ही ये वाला माहौल शांत होता है वो तुरंत वापस अपने क्लिनिक खोलेंगे और ये तमाम चीजें मीडिया में कुछ दिन चलेगी और उसके बाद मंथली बंदी का और अवैध प्रैक्टिस का ये कारोबार धड़ल्ले से चलेगा। आप और हम ऐसे ही देखते रहेंगे।